शांति। इस संगम युग पर ऑलमाइटी शिव बाबा ब्रह्मा मां द्वारा हम बच्चों को राखी बांधते हैं, अर्थात पवित्र बनाते हैं। जब हम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तब बाबा हमें स्वराज्य का टीका देते हैं और हमारा मुख मीठा कराते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। स्वराज्य का तिलक अर्थात स्वर्ग की राजाई। बाबा ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ हमें सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी की रसम यादगार में राखी पर्व अर्थात रक्षाबंधन के उत्सव के रूप में चली आई है। इस वंडरफुल गॉडली नॉलेज को स्मृति में रखकर अब देखे अपने आप को, मस्तक पर चमकता हुआ मैं एक चैतन्य तारा हूं। मैं शिव परमात्मा का प्यारा बच्चा हूं। मुझ आत्मा की मोहब्बत एक परम पिता शिव परमात्मा से है। जो ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में रहने वाले हैं, परमात्मा पिता मुझे भी बहुत ऊंच ले जाते हैं। मैं आत्मा भी ऊंच से ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाला हूं। इस सृष्टि चक्र में भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हुए मैंने 84 जन्म पूरे किए। अब मुझे फिर से वापस घर जाना है। बाबा आए हैं मुझे वापस घर ले जाने। अब तो मुझे बस एक बाबा से ही मोहब्बत है। मेरे सारे संबंध एक बाबा से है। अनुभव करे मैं आत्मा बाप दादा के सम्मुख हूं।
लाइट रूपी ब्रह्मा तन पर पवित्रता के सूर्य शिव परमात्मा विराजमान हैं। मैं आत्मा परमात्मा पिता के सम्मुख बैठा हूं। पवित्रता के सूर्य पिता श्री शिव बाबा अपनी किरणों द्वारा मुझ में पवित्रता की शक्ति भर रहे हैं। मुझ आत्मा को पवित्र बना रहे हैं। बाप दादा मुझे पवित्रता की राखी बांध रहे हैं। बाप दादा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। सिखिल दे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। मेरी मत पर चलो। बाप आए हैं तुम्हें स्वराज्य देने, स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम पवित्र बनो तो बेहद का बाप तुम्हें सच्चा स्वराज्य देंगे। तुम्हें स्वर्ग की राजाई देंगे। बच्चे तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो स्वराज्य पाएंगे। बच्चे तुम कितने भाग्यवान हो जो खुद परमात्मा तुम्हें स्वराज्य का टीका देते हैं। तुम्हें सतयुगी राजाई के तख्त पर बिठाते हैं। अनुभव करे अब बाबा मुझे विजय का टीका लगाकर वरदान दे रहे हैं। सदा स्वराज्य के अधिकारी भव। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम परम पिता परमात्मा द्वारा स्थापित ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। उस वॉइसलेस दुनिया में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम
पावन देवता बनते हो। बाबा तुम्हारे लिए वैकुंठ की सौगात ले आए हैं। स्वयं परमात्मा ने तुम्हें राज्य भाग्य का टीका दिया है। अभी तुम्हें सुख शांति का स्वराज्य मिलता है, तो बाप की श्रीमत पर चलो। पढ़ाई पर अटेंशन दो। कमल फूल समान पवित्र रहो। बाबा से वरदान प्राप्त कर। बाबा के वरदानी बोल अपने दिल में समा कर। अब निरंतर यही स्मृति की, मैं आत्मा ईश्वरीय गोद में हूं। बाबा आए हैं मुझे सतयुग का मालिक बनाने। मुझे स्वराज्य का तिलक देने। स्वर्ग का राज्य भाग्य देने। दिल ही दिल में मैं आत्मा ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि बाबा आप इतनी दूर से आए हो मुझे पवित्र बनाने, मुझे पवित्रता की राखी बांधने, तो मैं आत्मा भी आपका सपूत बच्चा बन, संपूर्ण पवित्र बन आपसे वर्षा जरूर लूंगा। अनुभव करे बाबा मुझ आत्मा को विजय का तिलक दे रहे हैं। स्वराज्य का तिलक दे रहे हैं। बाबा ने मुझे सतयुगी राजाई के तख्त पर बिठा दिया है। मैं सूर्यवंशी हूं। मैं गद्दी नशीन हूं। मैं सुख शांति के स्वराज्य का मालिक हूं। मैं वैकुंठ का मालिक हूं। शांति।